ज़म रहीम माई सेल्फ़ का शाफ और आप देख रहे हैं लर्न फिज़िक्स एंड उर्दू यूट्यूब चैनल आज हमारा एफ एस सी पार्ट टू फिज़िक्स के पहले चैप्टर के एम सी क्यूज़ पर तीसरा लेक्चर है तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को तीसरे लेक्चर में हमने इकतीसवें एम सी क्यूज़ से स्टार्ट करना है और फोर्टी फाइव तक जाना है शुरू करते हैं अपने इकतीसवें एम सी क्यूज़ को कहता है कि एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंक जेट प्रिंटर इज़ इंक जेट प्रिंटर का इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है तो इसका आंसर है डिफ्लेक्शन प्लेट्स यानी इंक जेट प्रिंटर का इम्पोर्टेंट पार्ट डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं अगले एम सी क्यूज पर आते हैं एन इंक जेट प्रिंटर यूजेज़ इन इट्स ऑपरेशन कहता है कि एक इंक जेट प्रिंटर अपने ऑपरेशन में यानी काम करते वक्त वो किस चीज़ को इस्तेमाल करता है यानी वो अपने ऑपरेशन के दौरान किस चीज़ को यूज़ करता है तो वो है एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ करता है अगले एम सी क्यूज में पूछता है द फोटो कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड कहता है कि फोटो कॉपी के प्रोसेस को हम कहते हैं जीरोग्राफी आपने याद रखना है जीरोग्राफी को हम फोटो कॉपी प्रोसेस भी कहते हैं और फोटोग्राफी या फोटो कॉपियर का दूसरा नाम ज़ीरोग्राफी है अगले एम सी क्यूज की तरफ चलते हैं एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ आर फोटो कॉपियर इज कहता है कि फोटोकॉपियर की इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन सी है तो वो है टोनर यानी स्याही का डिब्बा जिसमें स्याही वाला पाउडर जो है वो फिल किया होता है उसे हम टोनर कहते हैं तो टोनर जो है वो फोटोकॉपियर का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है आगे पूछता है जीरोग्राफ़ी मीन्स कहता है कि ज़ीरोग्राफी का मतलब क्या है तो इसका मतलब है ड्राई राइटिंग खुश्क लिखाई यानी खुश्क स्याही से लिखने का प्रोसेस अगले एम सी क्यूज़ में पूछते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट एफ एरिया इज कॉल्ड कहता है कि किसी ख़ास एरिया से एलिमेंट के कोई फील्ड लाइन्स गुजर रही हों तो उन्हें हम क्या कहेंगे तो उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे यानी एक ख़ास एरिया है और उस खास एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी या पास आउट होंगी उन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे सैंतीसवें एम सी में देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था इसका आंसर है माइकल फेराडे माइकल फेराडे एक साइंसदान थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्हीं के नाम से यूनिट रखा गया है फील्ड अगले एम सी क्यूज पर चलते हैं थर्टी एट है द स्पेस अराउंड द चार्ज विद इन विच अदर चार्जेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट इज कॉल्ड कि एक चार्ज के गिर्द जगह वो जगह जिसमें किसी दूसरे चार्ज पर हम उसका असर महसूस कर सकते हैं यानी एक ए चार्ज है और उसके गिरद एक सर्टन एरिया यानी ख़ास स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज लाएं तो उस चार्ज पर भी कुछ ना कुछ असर हो तो उस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अराउंड वो एरिया है जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज पर अपना असर छोड़ता है असर छोड़ने से माज ये है कि वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा तो वो रीजन कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड आगे कहता है द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगले एमसीक्यूज में पूछ रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड चार्जेस के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है अगले एम सी क्यूज की तरफ चलते हैं पूछ रहा है द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कौन सी है तो उसका आंसर है फोटोकॉपियर के फोटोकॉपियर मशीन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बेसिस पर अमल करती है यानी उसका ऑपरेशन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस करता है फोर्टी टू एम सी क्यूज देखिएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम द चार्ज इन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एक चार्ज से निकलती हैं वो किस डायरेक्शन में होती हैं थ्री डायमेंशन टू डायमेंशन वन डायमेंशन आल ऑफ अबव तो इसका आंसर है ऑफ अबव यानी हर डायरेक्शन में वो अमरज होती हैं जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ये देखें आपको दो चार्ज दिखाए गए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में निकल रही हैं वो ये नहीं है कि एक यूनिडायरेक्शनल हो या टू डायमेंशन हो या तीन डायरेक्शन में वो निकल रही हो वो ऑल डायरेक्शन में अमरज हो रही हैं इससे हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में अमरज होती हैं या हर डायरेक्शन में वो मूव करती हैं फोर्टी थ्री देखिएगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज कहता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है टेंजेंट टू द फील्ड टेंजेंट टू द फील्ड होती है इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ टेंजेंट कहते हैं ऐसी लाइन जो किसी सरफेस या किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट से टच करे उसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं कह रहा है कि अगर हम फील्ड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है चार्ज से उस पर अगर हम टेंजेंट गिराएँ यानी एक ऐसी लाइन गिराएं जो उस फील्ड को एक पॉइंट पर टच कर रही हो तो वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन देता है आपको डायग्राम के थ्रू इजीली समझ आ जाएगी तो ये देखिए पहली डायग्राम में आपको टेंजेंट दिखाया गया है कि जो किसी सरफेस के सिर्फ़ एक पॉइंट को कट करे उसे टेंजेंट कहेंगे और ये देखिए दूसरी तस्वीर में वो दो पॉइंट को कट कर रहा है ये टेंजेंट नहीं है इससे आपको टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और दूसरी तस्वीर से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये लाइन जो नज़र आ रही है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इस पर हमने ये एक पॉइंट पर हमने टेंजेंट गिराया और इस टेंजेंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो ये टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा इस पॉइंट पर ये इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी जबकि आर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी तो जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई टेंजेंट गिराएंगे तो वो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा अब हम अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं व्हेन द फील्ड इज स्ट्रोंग द लाइन्स ऑफ फोर्स आर कहता है कि जब फील्ड स्ट्रोंग होगी तो तब लाइन ऑफ फोर्स कैसी होंगी तो वो होंगी क्लोजर जिस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग होगी उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजर होंगी एक दूसरे के नज़दीक होंगी आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूँ कि ये देखें ये इस एरिया में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी और इनका आपस में जो फासला है वो भी बढ़ता जाएगा आप देखिए यहाँ पर फासला कम है यहाँ पर फील्ड या फील्ड की इंटेंसिटी वो ज़्यादा है इस एरिया में जैसे जैसे हम दूर ट्रैवल करेंगे फील्ड ऐसा ऐसा कम होती जाएगी अगर आप दो मकना तीस को पास लाएँ तो आप देखेंगे कि जब वो एक दूसरे के ज़्यादा पास आते हैं तो उनमें कशिश या दफ़ा करने की कवत ज़्यादा हो जाती है आप उस मकना तीस के अगेंस्ट आपको ज़्यादा जोर या ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ती है तो अब हम अपने आखिरी एम सी देखते हैं द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन अलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस चीज़ की वजाहत करती हैं या किस चीज़ की स्ट्रेंथ को वाजे करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को जाहिर करती हैं ये था हमारा आज का लेक्चर इन शह मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़ अलकम वरह